बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रजब अली तत्सो दगने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल आर ए व्लॉग्स। उम्मीद करना सारे भैन भरा ठीक ठाक हो, सो बल राजी हो। सो तो जनाब आज मौजूद हाँ मनसून है मुकाम पर, तो इंशाल्लाह तुसो की खुडियां मुस्तफा आबाद ना नज़ारा करासा। दरबार भी है उत्थे, तो नाल उत्थों बाकी जड़ा इलाका नजर इशना वह दसा। सारे भैन भरा वीडियो की लाइक कर सो, शेयर कर सो, तो कमेंट बॉक्स लाजमी दस्या करो कि वीडियो कैसी लगी है। माशाल्लाह जी रोड पक्की हो गई है, सुनया कि अपरा थोड़ी हो गई है रोड पक्की, चलो जुलने जिदा तक भी पक्की होगी। माशाल्लाह जी मनसूख ग्रां इत बिल्कुल नीचे नजर आ रहा सारा। बड़ी सोहनी जगह, सही नज़ारे वाली जगह, काफ़ी उच्ची जगह भी है। तो आलमोस्ट खुडियां मुस्तफाबाद पुज ही आए अस, थोड़ी चढ़ाई रहनी आ गया, काफ़ी जबरदस्त चढ़ाई आई। इधर पीछे भी काफ़ी बड़ी चढ़ाई सी, लागे सारा पहाड़ी है। तो फिर जनाब खंगूरे शंगूरे लाना, कोई सेहत खराब सी, बुखार आया सी, लेकिन मैं अपने भैन भरा की आई काफ़ी दड़े ये वीडियो नहीं कोई दसी का वीडियो। खुडियां पहुंची आए अस, खुडियां मुस्तफा आबाद, इतना दरबार है माई मरियम साहिबानी। माड़े पिछे स्टेज है, उर्स होना जिसलै तो स्टेज उपर महफल होनी है। उस तो अलावा इस इलाके ने कब्रस्तान भी इतना ही है, इधर भी कब्र, इस साइड भी कब्र। रोड आलमोस्ट कोई 100 मीटर हो सी जरा रोड कच्ची है, बाकी रोड भी पिछे पक्की होगी है। तो माशाला जबरदस्त जगह, माशाला जी दरबार है। मैं भी काफ़ी अरसे बाद आया, पहले जिसलै आए सा दूसरे पठीले रस्ते पैदल आए सा, लेकिन ये रोड जड़ी इसनी है मनसू मोड़े बिचों मस्जिद है कोल, उत्थे भी उत्तों नाल उपर निकलनी है, तो उन तोड़ इत्थे गड्डियां आई जानियां। माशाल्लाह गड्डी खलती भी है इत्थे। हाँ जी बिलाल साहब, क्या हाल है, क्या गल है, कोई गला बंद होया सुन भी? सही तो क्या आने, रोड कैसी रही? ठीक है, थोड़ी माड़ी आई है। सही माशाल्लाह जी, साढ़े नाल मौजूद हैं इत्थे इसरार भाई, इत्थे ने रहने वाले मुकामी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या जनाब ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ? सुनाओ सर, ठीक है सब, अल्लाह ना करम। ये माई मैयर साहिबा ने ना मनसूबे, माई साहिबा ने दरबार है। सही, तो काफ़ी पुरानी दरबार है। सही, काफ़ी अरसे तो साढ़े बहुत अजदाद इतने आए, तो उन्हें इतने दरबार तक की है। इन्हों माई साहब ना इस तरह हिस्ट्री है कि इस तरह लोग असं दसने पुराने के बुजुर्ग के दो एक इन्होंने भाई भी से, तो इस उपर ने रस्ते आए बड़ाली वाली साइड को। सही, इस पहाड़ी पर आए तो इतने आए, तो इतने माई साहब ने आया कि मैं पानी की जरूरत है। सही, पानी नहीं सी इतने, इस सामने चश्मा आ जैसे तुम तक सकने हो, तो इन्होंने माई साहब ने हथा चश्मा निकलता, चश्मा टैंकी बनती जी जी। सही, ये चश्मा है, 12 महीने पानी जारी रहना इतों, बिल्कुल पहाड़ी ने ऊपर याद में तकना है, इधर भी पानी गया, बिल्कुल पत्थर चो पानी निकता हुआ। सही, माई साहब ने ना थाना इन्हें पानी निकता हुआ, माशाल्लाह कभी कदे भी ये सुखना नहीं पानी, गर्मी ठंडा होना, सर्दी गर्म होना, बड़ी पानी का सीर है, और पानी नहीं जाना बड़ी करामात भी हैं। तो माई साहब ने हवाले नाल भी जड़े इन्होंने पाइए उन्होंने कैसे कुदरे बेशुमार लोग आखने कि इतों इतने जब माई साहब आए तो इतने उन्होंने फोतकी हुई, उन्हें इतने पाई और दफन किया, तो मुड़ी इतों सगे हमने रस्ते गए। कुछ लोग आखने उन्होंने मजार डने, तो कुछ आखने के पार इस पारले एरिए है जी। हाँ, ए मैं भी सुनता है कि जड़े पीर अबू साले मोहम्मद साहब डन्ने दरबार है जी जी मस्जिद को जी जी, इस बारे में भी सुनता कि इन्होंने इसी असम क्लियर ना ही लेकिन सकने क्लियर नहीं है, क्योंकि सुनी सुनाई गल ये असे सुनया कि सैयद फैमिली ने भाई साहब, तो भाई साहब ने बहुत करामात है जी, बहुत बात तो ज्यादा आसान है, तक भी सकने हैं। सही, तो सामने मजार है, असं सालाना उस भी इतना कराने। सही, मैं तो क्या स्टेज वैसे भी असें पता सी असं भाई है पहले कि ठीक है इतना स्टेज वगैरह आया जी जी, होना बिल्कुल। कितनी तारीख उर्स होना होना? असं अप्रैल ने दूसरे एतवार के उर्स करने थे, हर अप्रैल ने दूसरे एतवार। माशाल्लाह जी इस ग्रां की जरूरत ने मुताबिक इतना मस्जिद भी मौजूद है, खुडियां मुस्तफाबाद मस्जिद ना फ्रंट व्यू है, अगे बूटे शूटे लगे हुए, तो बड़ी जबरदस्त जगह।
माशाल्लाह जी बड़ा हॉट शेप ना इत्थे तलाब बनता मनिया आस्ते बस थोड़ा ही डिफरेंस है बाकी तकरीबन हॉट शेप ना ते उच्चियां पहाड़ियां इस सर तो अगे भी तुसें दस्या सी उच्चियां जगह पर पानियां नहीं कमी होनियां लेकिन इत्थे अल्लाह ने करम है अल्लाह ने वलिया नहीं वजह उत्थों पानी मौजूद है लेकिन इत्थे मनिया आस्ते जबर बनाया वा ने माशाल्लाह जी ए पार साड़ा जंगल है मेला ए ना लगे समरोड़ ना नज़ारा उस तो अलावा डन्ना अर्दन डन्ना थाथी डन्ना आड़िया मोड़ा डन्ना कॉलोनी ये सारे इलाके नज़र इसने बल्कि तुंद तुंद शुंद पे भी है तो अगर बॉर्डर तक सारा इलाका नज़र इसना रियाम है माशाल्लाह जी खुडियां नहीं असल पहचान जिस वजह तो लोग खुडियां सब तो ज्यादा इसने सन और अमले ते यो इलाका जिथों सारे बंदे अमले खन्ने रहे हो डन्ने ने बंदे वो बड़ा बूटा थोड़ा उस साइड है घा विच ते अज सेहत खराब है एलर्जी नहीं वजह तो मैं घा विच तरह जान लगा बाकी माशाल्लाह जी पुरानियां यादा ताज़ा हुई मैं बड़े अरसे बाद आया कोई 12-15-20 साल तो बाद आया मैं बल्कि अब भी एक साल हो गया उस बहुत छोटा था जिसल मैं आया माशाल्लाह जी अमरूदों ना बाग है पक्के हुए अमरूद भी लगे हुए इतने इतना अमरूदों ने बागे ला बंदा कोई नहीं इस मारे अस खोने देना लेकिन दसी छुड़ने तुसा की माशाल्लाह बड़े जबरदस्त पक्के हुए अमरूद लगे हुए इतने काफी अच्छा सेटअप है करियाने ना सारा समान इन्हों को मौजूद है पहले कच्ची थी तो हूँ माशाल्लाह पक्की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तो इतना अच्छा सो दा तुसा की भाई जी कोई चीज बुनु अन्ने नहीं जरूरत नहीं कोई मतलब के बोतला शोतला खाने पीने नहीं कोई चीज तुसा की इतना मौजूद लब सी दरबार पर इसो ते दरबार ने बिल्कुल ना लाया था कि ना दरबार ना व्यू है बिल्कुल सामने दरबार ने ते नाल ही तुसा की हर चीज लब सी पानी मौजूद है इतना बोतला मौजूद है खाने पीने दी चीजा मौजूद है यस रोड मुलकाला जानी जी ए रोड मुलकाला ही टच करनी उत्थों मनीला बड़ाली तक इस रोड की ए मतलब कोडली तो जाना वे सोना बुला रास्ता बंद है ए रास्ता इस्तेमाल करी सकने हो अजा चलो कच्चा है इंशाल्लाह जल्दी है भी इंशाल्लाह पक्का हो जासी हुन असा कोल मौजूद है जिस हस्ती मारे हां असा इतनी देर वेट किया ए थोड़े मसरूफ सन कारी मोहम्मद इमरान साहब काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं जी शोभा तालीम नाल इन्होंने तलक काफ़ी अरसा तो है बाकी अपनी रोदाद आपको सुनासन अपनी तालीमी सफ़र अपना जापना सफ़र ते इस जगह ने हिस्ट्री ने बारे कारी साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सब खैरियत अच्छी को अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बहुत शुक्रिया तुसों अपनी मसरूफियात तर करी रौनक और ये मरकजी हैसियत रखने लिए दरबार पूरे इलाके नहीं पहचान सही माई मरियम साहिबा नाल मौसूम ये दरबार शरीफ है असा अपने बड़िया को इ सुनिया कि माई साहिबा चूंकि सादात खानदान नाल ताल्लुक सी और माई टोटी साहिबा जिसल बा याद सुन तो उन्होंने इन्होंने कुछ करामत भी सुनाइया और इन्होंने एक जिंदा करामत है जी चश्मा
इत्थै कोई इस करीब एरिए बिच पानी कोई नहीं सी, जबकि यह चश्मा माई साहब ने करामत नाल निकलिया ते माई टोटे साहबा यह पानी उत्थों मंगवाई ते पीने रहे माशाल्लाह। ते अल्हम्दुलिल्लाह और भी बेशुमार माई साहबा ने करामात न, ते इस दरबार शरीफ ने बरकत नाल असाने ग्राम पर बहुत बड़ा अल्लाह ना करम है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह असम पर भी खुदा ने बड़ी इनायत है, खसूसी और दूर दराज तू एरिए तू जायरीन स्पेशल नीयत करी और बेशुमार मामलात जो जिसलै इरादा करने तो उन्होंने कम बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फजल नाल होई जाए माशाल्लाह। लिहाजा असना सालाना उर्से पाक असने हर साल अप्रैल ने दूसरे हफ्ते चुना है, सही दूसरा इतवार है जड़ा तो जी बिल्कुल दूसरे हफ्ते भी चढ़ा संडे नचना उस विच असा उर्स मुनक्कद करने हैं माशाल्लाह। तुसने एक पहचान है उसने बारे च जी मैं चलो मतलब ना चीज कैसीयत रखना लेकिन अल्लाह ने फजल नाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से कि इस इलम नी दौलत ना नवाजिया, इब्तदाई तालीम असें इत्थे मनसूदी हासिल की थी। सही। उस तो बाद में दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया ने ज़ैली ब्रांच गुलजार बी मीरपुर थू में एम ए अरबी और एम ए इस्लामिया एम ए इस्लामिक स्टडीज उतू कम्प्लीट की थी। उस तो बाद में अपने जड़े तालीमी मैदान च इसने इशात और तरवीज़ ने सिलसिले बिच सब तो पहले जो आगाज़ किया वो दरबारी आलिया नहरिया शरीफ यूनिवर्सिटी बिच एज ए लैक्चरर इस्लामिक स्टडीज उठा मैं तीन साल रहा। उस तो बाद में एम ए उर्दू एक यूनिवर्सिटी थू किया एम एड एक यूनिवर्सिटी थू एम ए अरबी पंजाब यूनिवर्सिटी थू ये भी नाल नाल माड़ी तालीम जारी रही। उस बाद गौरमेंट सैक्टरी में 2007 आया और इब्तदाई चढ़ी असनी तो करी हुई वो मिडल स्कूल नाला डगार उस तो बाद चौक साहिब मिडल स्कूल ते उस तो बाद इधर अपने इलाके विच हाई स्कूल डूंगी मिडल स्कूल मनसू और मिडल स्कूल मनसू चु माड़ी 2020 विच बतौर सीनियर मदरस तरक्याबी हुई इसलिए मैं हाई स्कूल कुटती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली बिच में एज ए विजिटिंग लैक्चरर इस्लामिक स्टडीज और पाक स्टडी ए चार सेमेस्टर है जड़े उठे में माशाल्लाह जड़े को नसीब सन में प्राइज एग्जाम दिते माशाल्लाह जी बिल्कुल। एसन जी कारी इमरान साहब क्योंकि इन्होंने ज़्यादा पहचान तालीमी मैदान की वजह तो इन्ना ना किंदे और नला डगार तक चौक साहिबा तक इन्हें अपने फ्राइज अंजाम दिते उस तो अलावा तालीम ने लिहाज न काफ़ी दूर दूर तक इन्होंने अच्छा जाना असने घर जाती माड़े भाई इंग्लैंड होने रजा अहमद उन्होंने दोस्त न करीबी इन्होंने बजुर्ग साढ़े बजुर्गों ने दोस्त न तो माशाल्लाह ये तलक वास्ता ये भी फखर ना बाइस है जी माशाल्लाह जी। दरबार शरीफ न पहले जिसलै मैं आया सा उसलै इत्थै सिर्फ चार दीवारी होनी सी ए सरार साहब दसने पे के इत्थै ग्रां म्हल्ले ने बंदे या जेहड़े आसे पासे जायरीन इसने उन्होंने मदद नाल ये सारा तैयार होया ते किसे किस्म ने तंजीम नहीं किसे किस्म ने कोई फंडिंग वगैरह नहीं है इत्थै ने ग्रां ने लोगों या जेहड़े जायरीन इत्थै इसने आफिस साहब दस्या कि कारी साहब जो भी मतलब कि इत्थै कोई अपनी दिली मुराद की नहीं तो आया उसनी मुराद अल्लाह पूरी की है तो बड़े दूरों दूरों जायरीन इसने ते लाजमी इस जगह ने विजिट करो जी तुसें सुकून हो सी इत्थै तुसें कि बिल्कुल पुरसकून माहौल है अंदाजा लाओ कि सिर्फ चिड़िया परिंदे होनी आवाज नहीं आई एक दो बंदे जड़े अस इत्थै आए हैं वो गल्ला नहीं आवाज इसनी ते माशाल्लाह जी इत्थै दरबार नहीं रौनक पत्थर टिके न बलुदरू आने पता नहीं इन्हें मगधर आखने ये वाला पुराने बंदे दसी सकने बलुदरू बलुदरू आखने बलुंदरू इत्थै जबान बलुदरू आखने ते ए निक्का चुकसी चलो जी जान या अली मदद करी तो चुके क्योंकि सारिया चीजा या अली नाल मनसूब है माशाल्लाह जी दस कितना वजन है जी इसना डेढ़ मन जी 60 किलो दूसरा दो मन है शायद ये दो मन है काफी ऐसे तो ये पत्थर इत्थै दरबार ने ना दरबार ने ना पर मनसूब है जी इत्थै लोग इसने क्योंकि पहलवानी साढ़े कल्चर ना हिस्सा सी जड़ा असा लोगों पे भुलाई छोड़ा ते अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इत्थे ने नौजवान चलो ये
ورزش نال منسوب ہیں ماشاءاللہ رجب صاحب چائے کیوں سو ماشاءاللہ اوڑا چکنے جی اپنے ساتھ بہنا سی ماشاءاللہ زبردست وزن ہے ماشاءاللہ جی کڑیاں مصطفیٰ آباد پرائمری سکول نا رستہ تے بڑا سونا درخت ہے چیڑا نا چنگا تکڑا تے بلال صاحب آنے پیادل جلنے موٹر سائیکل تھکی گئے کیونکہ اتھو روڈ تھوڑی خراب ہے چلو جی بہترین امید کر رہے ہیں اللہ خیر کرسی ہے پکی ہو جائے سی انشاءاللہ جتھے پیچھے اتنی زیادہ پکی بڑی نظارے لیے جگہ جی بڑے پرسکون ماحول ہے بلال صاحب بھی ٹورنے ماشاء اللہ ایکٹیو ہیں جی یہ پرائمری سکول ہے مصطفیٰ آباد کھڑیاں تکنے چلو کیسا ہے ماشاء اللہ جی جگہ کافی ریزنیبل ہے لیکن بلڈنگ ہوں شاید تعمیر ہونی ہے پی کمرہ ایک ادھر تازہ بنتا شٹرنگ جہاں لیتی ہے واش روم وغیرہ یہ کوئی پرانا کمرہ پہلے نا تے اس تو علاوہ یہ بھی نواں کمرہ کوئی بنتا لیکن یہ جگہ تھوڑی توجہ منگنی جی جڑے لوگ اس طریقے کا کوئی کام کرنے ضرور اس جگہ پر توجہ دیو یا سرکاری سطح پر بھی اس جگہ نہ کوئی حل ہونا چاہیے کیونکہ کافی علاقہ لگنا اتھوں درختوں کی وجہ سے علاقہ نظر تو نہیں اچھنا پیا لیکن کافی بڑا علاقہ ماشاءاللہ جی ایسی آج نہیں ویڈیو بڑا زبردست علاقہ سی بڑے زبردست لوگ بڑے مہمان نواز لوگ تو ماشاءاللہ بڑا سونا ٹرپ رہا اج نا اس نے نال اپنے بھرا کی دے سو اجازت دعاواں چ یاد رکھ سو اللہ سارے بھن بھرا کی اپنے حفظ و امان چ رکھے تو دعا کر سو کیونکہ صحت کافی خراب سی پھر بھی کوشش کی اپنے بھن بھرا واسطے ویڈیو بنائی جائے بہت مہربانی بہت شکریہ تے سارا چینل لازمی سبسکرائب کر سو تاکہ ساری نویاں نویاں